हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बलराम दास। आज मैं आप लोगों के साथ और एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो एफएनडी का होम थिएटर है। ये देखिए मॉडल है इसका A111। तो इसमें पावर सप्लाई ख़राब है। पहले इसको तो हम लोग पावर सप्लाई यूज़ करेंगे अलग, जो आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा पावर सप्लाई, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो सप्लाई देता है आउटपुट, तो बेस्ट है उसके लिए। और कोई भी SMPS हो, वो मॉड्यूल वो पावर सप्लाई अब यूज़ कर सकते हो इस पर, ठीक है। और ये इसका सर्किट है। मैं बहुत सारा इसका ये SMPS में ये सर्किट लगा के यूज़ किया हूँ और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता है, एकदम बहुत ही बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमें इसको लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर तीन वायर है, जो आपका है रेड, ब्लैक और ग्रीन, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। ये देखिए जो रेड वाला है, इसको देना है आपको यहाँ से जो पॉजिटिव, यहाँ से जो कैपेसिटर से जो आपका पॉजिटिव आता है, ये ड्राइवर में, ड्राइवर से आता है या फिर आउटपुट में, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, चलिए इसका मैं थोड़ा सा डिटेल्स आप लोगों को बोल देता हूँ। ये जो रेड वाला है, इस रेड को आपको कार्डस करना है। यह से जो प्लस से आ रहा है यह पर, और आपका यह यहाँ से जो आपका देखिए प्लस आया है इस, और यह ट्रांसफार्मर का कनेक्शन यह से निकल गया और यह पर देखिए आकर यह ट्रांजिस्टर में इन हुआ, ठीक है दोस्तों। तो यह पर प्लस लगाना है, और आपका जो ये जो नेगेटिव कनेक्शन है ब्लैक वाला, तो इसको आपको सिर्फ ब्लैक में जोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। और जो ये ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला आपको देना है ऑटो कपलर का आउट में, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ये आपका दे भी सकते हैं या आप नहीं भी देख सकते, ये आपका ऊपर डिफेंड करता है दोस्तों। अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, अगर नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए दोस्तों। इसके लिए आपका कोई फ़र्क आने वाला नहीं है इसमें, तो आपको यहाँ पर देना है उस नंबर पर R44 जो रजिस्टर का दिखा रहा है, ये यहाँ पर देना है फोर्थ नंबर पिन पे 1 2 3 4, फोर नंबर पिन पे आपको दे देना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको दूंगा नहीं, सिर्फ ये दोनों को ही लगाऊंगा, रेड और ब्लैक को लगाऊंगा, ठीक है दोस्तों। मैं लगा के दिखा दूँगा आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने इसका सप्लाई दे दिया, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव सप्लाई मैंने जो ट्रांसफार्मर से निकल के आया है प्लस का, उसको मैंने आउटपुट में दे दिया, ठीक है दोस्तों। और ये ब्लैक वाला ब्लैक में, और ये देखिए ग्रीन वाला मैं चार नंबर पिन पर दे दिया ऑटो कपलर के, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑटोमेटिक अभी सप्लाई निकल के आ गया। अभी मैं आपका आवाज़ सुनाता हूँ ऑडियो पकड़ के। ये देखिए दोस्तों, इसका आवाज़ आ गया। तो इसका सप्लाई मैं आप लोगों के दिखाऊंगा अभी, कितना सप्लाई आना चाहिए और कितना आ रहा है। और अगर सप्लाई ज़्यादा आ रहा है तो इस ये जो पीसेड है इसको एडजस्ट करके सप्लाई एडजस्ट करके रखना है। अगर ज़्यादा दे देंगे आप तो इसमें IC अगर फट जाएगा और आपका लास्टिंग नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखता हूँ आप लोगों को सप्लाई थोड़ा सा दिखाता हूँ इसका। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को सप्लाई दिखा देता हूँ इसका। ये है इसका ग्राउंड पिन, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव आएगा। ये देखिए 13 बॉल प्लस, और यहाँ पर 13 बॉल माइनस, ठीक है दोस्तों। तो इसका फिलहाल सप्लाई सही है। अगर 14-15 बॉल आता तो इसमें मैं कम कर देता ये पीसेट घुमा के, ठीक है दोस्तों। मिनिमम आपको 13 बॉल रख सकते हैं, जो लूट आएगा इसका तो मिनिमम इसका 12 बॉल सप्लाई आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसको सप्लाई रिपेयर करके ये होम थिएटर को रिपेयर कर सकते हो, और बहुत ही आसान है। ये सप्लाई जो है ये आपका हर किसी में यूज़ कर सकते हो आप, जो पावर सप्लाई का आता है, ठीक है दोस्तों। टाटा इसका एडाप्टर हो, कोई भी हो, मतलब SMPS का, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मेरे चैनल का अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी को भी दबा दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको, हेलो फ्रेंड्स, तो इसको आपका
ऐसे हीट सिंक लगा लेना है इस पे, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस पे आप हीट सिंक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आपका ये जो मॉस्फेट है ये सप्लाई लास्टिंग नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप हीट सिंक ज़रूर लगाइए, अगर हीट सिंक नहीं लगाएंगे तो आपका ये लास्टिंग नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल हीट सिंक में इसका लगा दूंगा और आप लोगों को कनेक्शन तो आ गया होगा कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका हीट सिंक भी लगा दीजिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो आपका बहुत ही लास्टिंग होगा बेहतरीन तरीके से। अगर कुछ प्रॉब्लम आया है आपको तो मेरा वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो और मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों।